केंद्र सरकार का ईपीएस पेंशन पर बड़ा फैसला जारी। मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर फाइनल तारीख जारी। 65 लाख पेंशन धारकों को मिलेगा बड़ा तोहफा। पेंशन को लेकर दो नए नियम जारी हो गए हैं, जिसका सीधा असर पेंशन पर होगा। अभी अभी का नया फैसला आया है, देखिए वीडियो में पूरी रिपोर्ट। ईपीएफओ के सब्सक्राइबर के लिए जारी हुई बड़ी खुशखबरी। 4 बजे कैबिनेट की बैठक से पेंशन बढ़ोतरी को लेकर हुआ बड़ा ऐलान। 2 मांगों को मिल गई फाइनली मंजूरी। पेंशनर्स को नए साल का मिला बड़ा तोहफा। ईपीएफओ का नया सर्कुलर जारी, देखिए रिपोर्ट। ईपीएस 95 पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर अभी अभी 5 मिनट पहले की बड़ी खबर। ईपीएस पेंशन की फाइनली होगी 3 चरणों में बढ़ोतरी। अभी अभी जारी हुआ सरकार से बड़ा आदेश। तो क्या सरकार ने बड़ा आदेश जारी किया है? 2014 के बाद पेंशन में बहुत ही बड़ा बदलाव को लेकर आदेश जारी हुआ है। तो अब ईपीएस पेंशन में आपको कितनी बढ़ोतरी मिलेगी? ईपीएस 95 पर 65 लाख पेंशन धारक है, जिस सब बड़ी खुशखबरी का इंतजार कर रहे थे, तो उनके लिए अभी अभी 5 मिनट पहले की बड़ी खबर आ चुकी है कि आपको फाइनली अब पेंशन ईपीएस की मिनिमम जो 1000 रुपए की मिलती है उसमें कितनी बढ़ोतरी होगी, जिसके बाद पेंशन आपको कितनी मिलेगी? 7500 रुपए मिलेगी, 8500 रुपए या फिर 9000 प्लस एडीए की पेंशन मिलेगी? तो इनमें से कौन सी पेंशन आपको मिलेगी, इसके लिए क्या नियम शर्तें रहेंगे, सारी जानकारी डिटेल से वीडियो में आपको बताने वाले। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए जानते हैं कि अब आपकी पेंशन को लेकर क्या सरकार ने ऐलान किया, जिसके बाद पेंशन उसको कितनी पेंशन मिलेगी, क्या होंगे नियम शर्तें। तो जो ईपीएस के 65 लाख पेंशन धारक है वो पेंशन की 1000 रुपए की राशि मिलती है उसे बढ़ा करके, जो ज्यादातर पेंशन धारक यही चाहते हैं कि सरकार 7500 प्लस डीए की राशि को लागू करे। अब 7500 प्लस डीए की राशि लागू करने को लेकर सरकार ने कोई आधिकारिक घोषणा जारी नहीं किया है। श्रम मंत्रालय के द्वारा जो पेंशनर्स है उनको आश्वासन मिला है कि जो आंदोलन था उनका आंदोलन को कुछ समय के लिए रोका गया, जिसके बाद श्रम मंत्रालय के आश्वासन के बाद फिर से यानी कि जो पेंशन धारक मांग करे उनकी मांग को पूरा करने को लेकर श्रम मंत्रालय ने पेंशनर्स को आश्वासन दिया, जिसके बाद हम उम्मीद की जा रही कि सरकार इसी महीने के अंत तक आपकी पेंशन को लेकर नया ऐलान कर सकती है 7500 प्लस डीए को लेकर। तो इस तरह की आपके लिए खुशखबरी होने वाली है, 2014 के बाद ये बड़ा ही बदलाव होगा अगर होता है तो। फिलहाल अभी तक ये बदलाव को लेकर सरकार का कोई भी आदेश जारी नहीं हुआ, ना ईपीएफओ ने आदेश जारी किया, ना कोई सुप्रीम कोर्ट ने आपकी पेंशन को लेकर ऐसा आदेश अभी तक जारी किया है।